बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसाना की किचन में स्वागत है आप लोगों का। आज की हमारी रेसिपी है दही चना चाट, जो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। देखिए, ये हमने ले लिए 250 ग्राम चने, इसको मैंने ओवरनाइट भिगो ली थी और तीन सीटी देके हमने इसे गला लिए। ये देखिए कितने अच्छे गल गए ना, इसी तरीके के हमें चाहिए थे। अब ये आलू ले ली हूँ मैंने, दो बड़े साइज के आलू थे, इसको भी हमने बॉइल कर लिए और इस तरीके से कट कर ली। एक बड़ा टमाटर ले ली थी और एक दो प्याज ले ली थी बड़ी मैंने, इसको मैंने बारीक इस तरीके से कट कर ली हूँ। थोड़ा कोथमीर और हरी मिर्ची और दही है, खट्टी मिट्टी चटनी है और ग्रीन चिल्ली। तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा बॉल ले लेंगे हम बड़ा, उसमें सब चाट को हम मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम चना डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस पर शामिल करेंगे आलू, टमाटर, थोड़ा सा टमाटर मैं बचा लूंगी ऊपर से गार्निश करने के लिए, इसको बिल्कुल थोड़ा सा। देखिए प्याज शामिल करेंगे, प्याज भी जरा सी मैंने बचा ली हूँ, कोथमीर भी थोड़ा डालेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर से गार्निश के लिए। एक हरी मिर्ची ले ली हूँ मैंने, ये ऑप्शनल है, अगर बच्चे खाने वाले हैं तो मत डालना क्योंकि हम चिल्ली फ्लेक्स भी इसमें डालेंगे। तो ये डाली हुई एक हरी मिर्ची बारीक कट करके, नमक डालेंगे। नमक मैंने चने बॉईल करते टाइम भी डाली थी, तो इसलिए मैं देखो हाफ टेबल स्पून से कम नमक डाल रही हूँ। ब्लैक वाला सॉल्ट ले ली मैंने, ये भी हाफ टेबल स्पून है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये भुना हुआ जीरा ले लिए हाफ टेबल स्पून, ये शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स ले ली मैंने, अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और पुदीने कोथमीर की चटनी बनाए हमने, हरी मिर्ची डाल के, ये जो घर में हम नॉर्मल बनाते हैं चटनी ये वो है, ये भी डाल देंगे। डेढ़ टेबल स्पून डाली हूँ मैंने। ये देखिए अमचूर की खट्टी मिट्टी चटनी, इसका लिंक आप लोगों को आई बटन में मिलेगा, बहुत ही अच्छी चटनी बन के तैयार हुई है ये। ये शामिल करेंगे हम दो टेबल स्पून, कितनी अच्छी लग रही है ना। अभी इन चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। आहा, मुझे तो बहुत पसंद है ये चाट, रमजान में बनाइए आप, फैमिली वालों को खिलाइए, अफ्तार पार्टी में रखिए, इसे झटपट बनने वाली चाट है ये भी। अच्छे से मिक्स करेंगे, चने अच्छे से मिक्स हो गए मसालों के साथ में। अब इन्हें हम सर्विंग ट्रे में शामिल करेंगे। सर्विंग ट्रे ले ली हमने, अब इसके अंदर हम चाट जो बनाए चनों की इसको इसमें हम शामिल कर देंगे। चना चाट को हमने देखिए सर्विंग ट्रे में इस तरीके से रख लिए। अब ये पापड़ी ले ली हूँ मैंने, देखो इस तरीके से मिलती है ना, आसानी से मिल जाती है ये भी, तो इसको तोड़ के हम ऐसे इस पर रखेंगे, बहुत ही अच्छी लगती है। इसको 10-15 मिनट पहले डालना इसको खाने से, तो ये क्रंची भी रहेगी और अच्छी सॉफ्ट भी हो जाएगी थोड़ी। अगर पहले से डाल के रख देंगे बहुत देर पहले से तो ज़्यादा नरम होके ना अच्छी नहीं लगेगी खाने से, 10 मिनट पहले या ऐसे डालना। अब जो दही हमने बीट करके रखे थे वो इसके ऊपर इस तरीके से हम शामिल कर देंगे। देखिए सब नीचे तक का पहुंच जाएगी दही। कितना अच्छा लग रहा है ना। अब इस पे हम डालेंगे अमचूर की खट्टी मिट्टी चटनी। जितना आप खाना पसंद करते हैं मीठा आप अपने हिसाब से डाल लेना। और ये कोथमीर पुदीने की चटनी, एक हरी मिर्ची डाली थी मैंने इसमें और हल्का सा नमक बस। थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा,
थोड़ा सा कोथमीर, थोड़ी हमने जो कटी हुई प्याज बचा के रखे थे वो, और थोड़े से टमाटर, थोड़े से चने भी बचाई थी मैंने ऐसे ऊपर से, सब दिखने के मारे अच्छा लुक दिखेगा। लग रही है ना कितनी अच्छी, देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी आप लोग सोचो। आहा, थोड़े से अनार के दाने, ये ऑप्शनल है, दिखने के मारे अच्छा दिखे जिससे कि। ये देखिए फ्रेंड्स, दही चना चाट बनके रेडी हो गई। आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से बनाया, आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।